हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या हाल चाल? आई होप अच्छे ही होंगे। तो फिलहाल भाई, सुबह वाले एपिसोड में ट्रेवर का काफी ज्यादा नुकसान हो गया। हमारी केजीएफ की टीम जो है वो 60-70% खत्म हो चुकी है। हमारे बहुत सारे बंदे मारे गए। अगर आप लोगों ने सुबह वाले एपिसोड चेकआउट नहीं किया, फर्स्ट चैनल पर है, उसको जाकर के चेकआउट कर लीजिए। प्रिंस याका ने ऐसा प्लान बनाया कि ट्रेवर उसमें फंस गया और अपनी आर्मी को बचा नहीं पाया, क्योंकि वो सिचुएशन इतनी खराब कर दी थी और इतने इंस्टेंट बंदे मरे, मेरे को पता नहीं चल पाया बंदों के मरने के बारे में भी। मुझे तो बाद में पता चला कि सच्ची में असली बंदे मर गए। अब देखो, जितना नुकसान हुआ मैं उसको सही तो कर नहीं सकता, क्योंकि एक बार जो मर गया वो मर गया। तो पॉइंट ये है भाई, मैं आगे जो बंदे और हैं उनकी सिक्योरिटी करने की कोशिश करूंगा और उनको बचाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल बहुत बुरा काम किया याका ने, बट पकड़ा गया। अच्छी बात क्या है, नमूना मेरे पास ही और बोल रहा है, ट्रेवर मैंने क्रिस्टोफर का रास्ता साफ कर दिया, अब तो देख क्या होगा। क्रिस्टोफर का दोस्त ही निभा गया, बट कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। पंगा उसने जिससे लिया है ना, वो कोई आम इंसान नहीं है, वो है ट्रेवर। अब उसको ऐसी सजा मिलेगी, उसको रोज ऐसे से नए नए तरीके से टॉर्चर करूंगा कि प्रिंस याका भैया ना, बस क्या बोलू, बोलेंगे मेरे को कि ट्रेवर मेरे को जान से मार दे, बस मैं रोज रोज टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। उसको तो जीते जी मैं सजा दूंगा, बहुत तगड़ी वाली। चलिए भाई, गेम को शुरू करते हैं। यार ट्रेवर भाई आ चुका है। फिलहाल आप जैसे देख ही रहोगे, बर्बादी यहाँ पे काफी ज्यादा होके रखी है, बहुत सारे बंदे खत्म होकर रखे। मेरे को गाड़ी जरा चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे वाला जो टायर है ना, इसको खराब हो चुका है, इसलिए गाड़ी ना एक तरफ से चल रही है, बस एंड हो चुका है गाड़ी का। तो पॉइंट ये भाई, मैंने बहुत बंदे मारे सुबह वाले एपिसोड में। ये बंदे वो है जिनको मैंने मारा, इसलिए मारा क्योंकि इन बंदों ने ही बॉम्ब लगवाया था मेरे प्लेन्स में। तो ये तो वो बंदे हैं जिन्होंने गद्दारी करी। क्या जरूरत थी इनको मेरे बंदों के प्लेन में बॉम्ब लगाने की? इनको पता था केजीएफ ट्रेवर की आर्मी है, लॉस सैंटोस के बंदों ने धोखा दिया यार, उड़ते हुए प्लेन्स पर बॉम्ब लगा दिया। कमाल करते, जैसे मैं लगा डालता हूँ ऐसे बंदों ने इन्होंने लगा दिया। बहुत दुख का काम हुआ, बहुत सारा काम खराब हो गया। चलिए खैर, निकलते भाई निकलते। चलो ट्रेवर निकलो फैक्ट्री पर। एक काम करता हूँ, फैक्ट्री में जाने से पहले बैनी के पास होते आऊँगा। देखो 2 घंटे तो लगेंगे, बट गाड़ी रिपेयर करवानी पड़ेगी, क्योंकि गाड़ी तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। 2 घंटे में रिपेयर कर देगा। आगे जो डेंटिंग वगैरह पड़ी है, जो गाड़ी पूरी डैमेज पड़ी है, 2 घंटे बैनी बांध देगा। यार बैनी बहुत तेज गाड़ी रिपेयर करता है, पहुँचता हूँ। पूरे यार 5 घंटे लग गए, मैंने सोचा था 2 घंटे में कर देगा, बट भाई बैनी बोलता है ड्राइवर भूत नहीं हो कि फूंक मारी और गाड़ी सही रिपेयर हो गई, 5 घंटे लगेंगे मिनिमम। मैंने बोला भाई तू कर दे, 5 घंटे बाद अपनी गाड़ी परफेक्ट हो चुका। खर्चा बहुत ज़्यादा लिया है उसने, बहुत पैसे लिए नमूने ने, खैर वो बाद में देख लेंगे। अब जल्दी फैक्ट्री पर निकलता हूँ, मैं फैक्ट्री पर आ गया हूँ। चलिए ट्रेवर भाई जी ऊपर निकले, गन हटा लीजिए, गन की कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर चल के ही बातें करते हैं भाई। चलिए, हेलो जी, वेलकम। तो बोलो मेरे को, मैं आ गया हूँ। हेलो आंटी, हो लेसर की याद नहीं आती आपको? हेलो टेक्नो, हेलो ड्रीम, रोकी नमूना ठीक है तू? ड्रीम मुझे बोलता है ट्रेवर भाई बहुत दुख है, मुझे बहुत दुख है, केजीएफ का इस तरीके से थोड़ा सा एंड हो गया, पर चिंता मत कीजिए, हम लोग सब कुछ सही कर लेंगे। हमारे अंदर अभी भी एक उम्मीद है, एमी। प्लीज़ ट्रेवर, हमारी बात मान, उस लड़की के पीछे पड़, उसको शादी करने के लिए हाँ करवा ले और काम हो जाएगा। मैंने फिर बोला, मेरे प्यारे भाई ड्रीम, मेरी गैंग मरी है और मैं बदला ले करके रहूँगा, उसके बाद सोचूंगा बाकी चीज़ें। देखो भाई, शादी वगैरह एक अलग चीज़ है, जब तक केजीएफ का बदला नहीं लूँगा ना, जब तक मज़ा नहीं आएगा। और बदला तो मेरे को देना ही पड़ेगा इन बंदों को, सभी को, क्योंकि एमी को मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि यार वो लड़की है और ऊपर से उसकी कोई गलती भी नहीं है, उसने वही सारा काम किया जिसको करना चाहिए था। मैं उन बंदों को मारूंगा जो मेन बंदे हैं, डिसिप्लिन वाले बंदों का दिया डब मैं ट्रेवर धीरे धीरे करना शुरू करेगा। और मैंने आपको बोली था कल के एपिसोड में आप लोगों को मज़ा आने वाला है, क्योंकि मेरे प्लान के हिसाब से कल बहुत बंदे मरेंगे जो कि काम करते हैं डिसिप्लिन वाले बंदों के लिए। मज़ा आएगा कल, बहुत सारे गोड्स का सही कर देगा हम लोग इलाज, क्योंकि उन बंदों ने बहुत परेशान किया मेरे को। कच्चे बन के बैठे गैंगस्टर ऑफ डिसिप्लिन, इनको बताऊंगा मैं। मैं पहुंच चुका हूँ भाई आर्मी बेस पर। मैं इसलिए आया क्योंकि आर्मी वाले बंदों का मेरे पे फोन आया था और बोला ड्राइवर बहुत जरूरी काम है, इसलिए प्लीज़ आ जाओ भाई मिल लो आकर के। तो इसलिए मैं आया हूँ। हेलो बॉयज, क्या दिक्कत है, परेशानी है आप लोगों को? देखो यार जनरल, मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ और ऊपर से गुस्से में भी हूँ, क्योंकि आपकी आर्मी ने हमारा बहुत नुकसान किया है। तुम दोनों बंदों ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा, मतलब कि डिसिप्लिन वाले बंदों के हाँ में हाँ मिला करके तुम लोगों ने मेरी आर्मी को मरवाया। शर्म नहीं आती तुम्हें? पता था ना मेरे बंदे, वो फिर ऐसा क्यों किया? बंदे बोल रहे ट्रेवर ऊपर से ऑर्डर था भाई, नहीं करते तो दिक्कत होती। मैंने बोला तुम्हारे से ऊपर कौन है? बंदा बोल रहा है जो ट्रेवर गवर्नमेंट है। मैंने बोला गवर्नमेंट तो कोई है ही नहीं। बोल रहा है कि ट्रेवर फिर भी बहुत बंदे होते हैं जो मैनेज करते हैं शहर को, उनकी तरफ से ऑर्डर्स थे और वो महंगे बंदे थे, हम कुछ कर नहीं सकते थे। खैर मेरे को पता ही है भाई इनकी यही वजह थी। तो फिलहाल मैंने इनसे सारी बातें इनकी कर ली है, अब इनके लिए भी एक काम करना पड़ेगा और वो ज़रूरी है यार, मैं मना नहीं कर सकता। पता है क्या, बंदे बोल रहे हैं कि ट्रेवर सर हमने एक स्पेशल टैंक बनाया था दरअसल, और वो चोरी हो गया है ड्राइवर, और वो टैंक अगर लीक हो गया शहर में मार्केट में और उस टैंक की अगर कॉपी बन गई तो सबसे ज़्यादा दिक्कत तुम होगी, क्योंकि उस टैंक को जल्दी से ब्लास्ट नहीं कर पाओगे और उस टैंक में अंदर ऐसे ऐसे वेपन्स हैं कि ड्राइवर अगर वो दुश्मन के हाथ पड़ गया ना तो तुम सबसे ज़्यादा रोगे, हम नहीं रोने वाले।
मुझे डरा रहे हैं नमूने। तो मैंने बोला ठीक है नमूना ढूंढता हूँ। तो भाई किसी ने टैंक ही चुरा लिया मिलिट्री का, बताओ। ये मिलिट्री वाले सोते रहते हैं गाड़ी बेस पर, तो इनको भाई एक जगह पे टैंक की लोकेशन मिली है जो कि लास्ट लोकेशन है। तो वहीं पे जाकर के बोल रहे हैं कि ट्रेवर तुम भी जाकर के पूछो और देखो बंदो क्या अपडेट मिला है इस चीज़ के बारे में। मैंने बोला ठीक है भाई, ये चलो पहुँच जाता हूँ अभी। अरे यार इतना बढ़िया जंप लगता। ये नमूने गाड़ी वाले भी ना जब भी कुछ काम कर रहा सोचते तब बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, और जब कुछ नहीं करना होता ना तो रोड मतलब रोड खाली पड़ रहता है बिल्कुल। कमाल लो सडनेस की जनता भी, इनको पता रहता है ड्राइवर को दुखी करने का तरीके। पहुंच गया भाई मैं जगह पर, तो चलिए जा करके चेक करते हैं। हेलो जी, तो ये है बंदे यहाँ पर बहुत सारे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर कुछ चेक कर रहे हैं भाई शायद से जो भी है कैमराज के बाकी चीज़ों को, ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किन बंदे ने अटैक किया था टैंक के ऊपर, कौन यहाँ से ले गया। दरअसल यहाँ पर रास्ते में से टैंक जा रहा था चुपचाप, चोरी से लेके जा रहे थे आर्मी उसको, ताकि किसी को पता ना चले, और यहीं पर अटैक हुआ। तो पुलिस यहाँ पर आई है बहुत सारे बंदों को लेकर के चेकिंग कर रही है, फिर मतलब यहाँ कुछ सबूत मिल जाए, अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिल गई तो इनके मजे आ जाएंगे। तो यहाँ पर जूनियर जनरल बैठा हुआ है, बीडी मार रहा है, यहाँ पे सभी चीज़ को हैंडल कर रहा है। चलिए पता करता हूँ, एक काम करता हूँ इसी से पूछ लेता हूँ। हेलो भाई ज़रा जगह बनाओ, ड्राइवर को कुछ इन्फॉर्मेशन ले लिया टकलू भैया से। हेलो भाई जनरल, मेरे को सीनियर ने भेजा है, कुछ पता लगा अपने टैंक के बारे में? देख इतना टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी बोल। बंदा बोल रहा ना ड्राइवर बहुत टाइम से लगे हुए, कोई भी क्लू नहीं मिला, हमने अपनी एक और आर्मी को लगा कर रखा है, मतलब अपने और कुछ बंदों को लगा कर रखा है, तुम्हें फिलहाल वो इस वक्त ग्रेवयार्ड पर मिल जाएंगे। ग्रेवयार्ड पर जाओ और वहीं पे जा करके बंदों से पूछताछ करो, क्या पता उनको कुछ पता लगाओ। मैंने बोला ठीक है भाई, तू यहाँ भेज रहा है, उसने वहाँ भेजा था, और पता नहीं वो बंदे कहाँ भेजेंगे, जा करके खैर चेक करते हैं। अब जब काम ले लिया है तो भाई करना भी पड़ेगा। फिलहाल देखो मैं इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि इसके अलावा मेरे पे और कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मतलब कि बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्रिस्टोफर का भी कुछ पता नहीं चला और बाकी और बंदे भी किसी प्लेन वाले आए नहीं है, और एमी ने भी फ़ोन किया नहीं है, तो देखा जाए मैं थोड़ी देर के लिए फ्री हूँ, इसलिए सोचा आर्मी वाले का काम ही कर लेता हूँ। पहुँच चुका हूँ जगह पर, बहुत सारे बंदे यहाँ पर है भाई। ग्रेवयार्ड पे तलाशी करने का क्या मतलब बनता है कि यहाँ पे टैंक आया था? अब जो भी हो तो पता कर लूँगा। हेलो ऑफिसर्स, ज़रा फटाफट से मेरी बात सुनो, यहाँ पर मैं बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लेने आया हूँ। मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप लोग यहाँ पर कुछ तलाशी ले रहे हो। बंदा बोल रहा है ड्राइवर कुछ भी पता नहीं चल पा रहा, कौन थे, कहाँ पर टैंक ले गए, हमने बहुत एरिया छान मारे शहर के, फाइनली यहाँ पर आए थे हम चेक करने के लिए, उसकी लोकेशन जहाँ पर भी आ रही है ना, ये यहीं पर खड़े नहीं हुए भाई, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले आए, मतलब ये हर उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर इनको पता था कि टैंक कहाँ पर गया है, मतलब जीपीएस है ना उसमें, तो इस वजह से टैंक की लोकेशन यहाँ वहाँ पर आ रही है बार बार, पता नहीं ऐसे क्या टैंक है, जो भी हो तो पता लग जाएगा। चलिए खैर भाई निकलता हूँ, अगर जो कुछ और फोन आएगा तो वहाँ पर निकलेंगे, फिलहाल घर पास भी है, थोड़ा नहा आकर चलते हैं। चलो उतरे थोड़ा नहा लो, नहाने के लिए ही जाने वाला था, टेक्नो का फोन आया, मैंने उसको भी बोला ना टैंक ढूंढने के लिए, तो टेक्नो मेरे को बोल रहा है मैंने दरअसल टनल में कुछ बंदे देखे ड्राइवर, तो जाकर के उनको तोड़ फटाफट से और उनको पीट, मुझे लगता है टैंक के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे और जल्दी से केस सोल्व कर, लेट मत कर और भी बहुत काम करने हैं। मैंने बोला भाई मैं तो तुझसे पहले जल्दी कर रहा हूँ, तो फिलहाल चलिए टनल में निकलते और देखते कितने बंदे क्या इन्फॉर्मेशन देंगे, जल्दी मिल जाएगा भाई टैंक की तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, मुश्किल से 5 मिनट में उसको ढूंढ लूँगा, 5 मिनट नहीं मतलब जीटीए के हिसाब से थोड़ा टाइम ज़्यादा मान लीजिए, तो वैसे 5 मिनट में मिल ही जाएगा। चलिए जल्दी पहुँचता हूँ, पहुँच चुका हूँ भाई मैं जगह पर, तो फिलहाल यहीं पर बोला गया था बंदे बहुत सारे मेरे को मिलने वाले, ड्राइवर जरा नीचे उतर आराम से बस आ रही है, टक्कर लग गई थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी तो लगती जाती है, मतलब इतनी तो लगी जाती है। ओके फाइनली बंदे हैं, बाहर जाते हैं चेक करते हैं, कौन हो भाई, हो कैसे हो, क्या हाल चाल है? देखो वेपन हाथ में निकालना सही रहता है, अगर अटैक कर दिया तो मैं फिर वेपन निकालने में काफ़ी गोली लग सकती है। भाई हो क्या हाल चाल है, कौन है, मैंने बोला तुम, अरे भाई गोली चलाई भाई, मैंने ऊपर गोली चलाई थी, तुम लोगों ने मेरे ऊपर गोली चलाई, सीधा कर दूंगा नमूनों, इसका मतलब इन्फॉर्मेशन सही है भाई, बंदे सच में सब मतलब कुछ ना कुछ जानते हैं, नहीं तो मेरे ऊपर गोली चलाई, मैंने ऊपर फायरिंग करी थी, बंदे मुझसे बात करते बोलते ड्राइवर से क्यों गोली चला रहे हो बिना वजह, हमने क्या किया, इनको ये मुझसे पूछना चाहिए था, बट इन्होंने डायरेक्ट मुझ पर ही गोली चलाई। और आपको बताया जो कोई बंदा ड्राइवर के ऊपर गोली चलाता है तो फिर तो मज़ा ही आ जाता है। तो चलिए चेक करता हूँ भाई आखिर क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बंदे क्या मेरे को बताएंगे। मैंने बंदे से पूछने की कोशिश करी, एक दो बंदा जिंदा था, पूछा कुछ नहीं बताया, फ़ोन में डेटा चेक करा कुछ नहीं मिला, अब पता नहीं भाई कहाँ पर मेरे को डेटा मिल सकता है, जो भी हो तो देख लूँगा। ड्राइवर जल्दी से भाई गाड़ी को निकाल, तो ठीक है एक काम करता हूँ भाई थोड़ा इंतज़ार करते हैं, क्योंकि टेक्नो बोल रहा था कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन आने वाली है, ड्राइवर थोड़ा सा और वेट कर ले पता लग जाएगा। मैंने बोला ठीक है ब्रो, ठीक है मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, ये इतना रुक गए थोड़ा और रुक जाएंगे, देखते हैं कहाँ से कौन खबर देगा। बहुत बढ़िया भाई, इतनी जल्दी से खबर आ जाएगी मैंने ये नहीं सोचा था। तो फाइनली खबर आ चुकी है, मेरे FI वाले बंदे मुझे बुला रहे हैं मिलने के लिए, आपको बताया FI वाले मेरे कुछ बंदे जो मेरे लिए काम करते हैं, तो जल्दी से पहुंचता हूं और लग गई अमेजिंग भाई अमेजिंग। तो पहुंचता हूं जल्दी से, नहीं तो यहां पे बहुत भीड़ है, टक्कर लगती रहेगी बार बार। पहुंच चुका हूं जगह पर, चलिए पता करता हूं। देखो इन्होंने फोन पे इन्फॉर्मेशन भाई इसलिए नहीं दिया आपको, बता देखो इनके जो फोन होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग चलती रहती है,
ये गवर्नमेंट फोन है और गवर्नमेंट फोन से मेरे को ऐसी इन्फॉर्मेशन देगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये फंस जाएगा कि तू ट्रेवर के लिए काम करता है, गवर्नमेंट का बंदा हो गए। हेलो भाई, कुछ पता लगा? ये चाचा चंपू तो भाई बिजी है बहुत ज़्यादा टाइपिंग करने में। ये देखो, एंटर फिर एंटर फिर एंटर फिर एंटर, ये कौन से टाइप जॉब कर रहा है भाई? एंटर एंटर दबा जा रहा है भाई, एंटर भी नहीं दबा रहा। अलग ही लेवल भाई, ये टाइम पास कर रहा है नमूना यहाँ पर। बहुत बढ़िया, बता भाई, बंदे ने बता दिया है मेरे को। बंदा बोल रहा है बैनी, बैनी ने टैंक बेचा उन बंदों को, दरअसल जिनको मैं मार करके आया। उन बंदों ने आगे किसी और को बेच दिया, एसएस को पता लगा। अब आगे किसको बेच दिया ये इसको पता नहीं है, बट पहले बैनी के पास टैंक आया था और बैनी ने इनको बेचा था टनल वाले बंदों को। वो टनल वालों से कहाँ पे गया वो पता लग जाएगा। बैनी द चोर, नमूनों का सरदार, मेरे को बताता नहीं है। उसी के पास से तो आया था भाई, जब गाड़ी रिपेयर करवा रहा था 5 घंटे बैठा उसके पास। जल्दी निकलता हूँ, जल्दी निकलता हूँ, इतना दबाया। झूठ बोलता है और हमारे घर में चोरी करता है। पहुंच चुको बैनी के पास में। बैनी को बाहर बुला लिया था कि नमूने मेरे पास आ जाए तुरंत, तुझसे बहुत जरूरी बातें करनी है। बैनी भैया वेर आर यू, क्या हाल चाल है? चुपचाप बता दे, सच सच पूछ, मतलब सच सच बताना। तेरे पास आर्मी का सीक्रेट टैंक आया था, तूने क्या किया उसमें? बेचा पैसे कमाने के लिए? तूने चोरी करवाया क्या नमूने? मेरे को बता दे, सच बता दे तो बचा सकता हूँ, नहीं तो फिर देख मैं कुछ नहीं कर सकता। बंदा बोल रहा है ड्राइवर सर मुझे बचा लो, दरअसल मेरे पास कुछ बंदे लेकर गए थे इस टैंक को, मैंने सोचा कि मेरे पास तक कोई टैंक भी नहीं है, मैं रख लेता हूँ। बंदे ने मेरे को नकली बिल दिखाया, नकली फर्जी सारी चीज़ दिखाई, मैंने सोचा असली टैंक है, मैंने उसको रख लिया और रिपेयर करके अपने गैरेज में खड़ा कर लिया था। फिर मेरे को पता चलता है, थोड़ी देर बाद न्यूज़ आई, मेरे बंदों ने मेरे को बताया कि बैनी भाई जो आपने टैंक खरीदा है चोरी का, आर्मी उसको ढूंढ रही है और ड्राइवर भी ढूंढ रहा है। तो मैं डर गया और मैंने उसको तुरंत बेच दिया कुछ बंदों को बुला करके, नकली बिल और मतलब सारी चीज़ें दे करके। ड्राइवर में फंसना नहीं चाह रहा मेरे भाई, मेरे को पता नहीं था पहले के चोरी का है, मेरे पास बिल भी है, सारी चीज़ें जो उन्होंने दी थी। मैंने बोला भाई बहुत बढ़िया, वेरीफाई तो कर लेता असली बिल है नकली है। चले खेल, ऐसी कोई गलती नहीं, मैं नहीं बोलूँगा। बेचारा फिर यह फंस गया, इसके तो पैसे का नुकसान भी होगा, इसने पैसे देकर टैंक खरीदा है वो भी चोरी का। कमाल है यार, बंदों का टैलेंट तो देखो, नकली बिल बना के चोरी का टैंक बेच गए। सच्ची में यार, सो सॉरी, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया, गाड़ी से बोल। मेरे को अभी ऐसी इन्फॉर्मेशन आई, टैंक ने बोला कि ड्राइवर जो लास्ट में बंदों को टैंक बेचा गया है ना, वो बंदे इस वक्त मिलेंगे तेरे को भूत वाले घर पर। वही भूत वाला घर भाई, सुबह जा करके जहाँ मैंने बहुत सारे पुलिस वाले बंदों को मार था, लगता है वहाँ पर टैंक वाले बंदे पहुँच गए। दरअसल वो एरिया खाली हो जाता है जब ये बंदे मरते हैं, तो बंदे सोचते खाली एरिया पड़ा है हम इसको यूज़ कर लेते हैं। दरअसल उनको ये नहीं पता कि सबसे ज़्यादा ऐसा एरिया है जहाँ पर ट्रेवर का आना जाना लगा जाता है, और बहुत सिंपल एरिया है। बंदे सोचते टूटा हुआ घर है, वहाँ पर कैमराज नहीं होंगे, वो उनकी गलतफहमी है। दरअसल मैंने लगवा के रखा है वहाँ पे कैमरा कह करके, क्योंकि मुझे पता है वो बहुत ज़्यादा मीटिंग एरिया है गैंगस्टर वालों का, मीटिंग वहाँ पे होती रहती है। मैंने चोरी से वहाँ पे कैमरा से लगवा के रखे है ताकि बंदे सोचे यहाँ पे कुछ नहीं होगा और वहाँ पे सब कुछ है, तो उस कैमरा से बंदे पकड़ गए, ऐसा मेरे को टेक्नो बोल रहा है। ड्राइवर पहुँचो भाई, अब आएगा मज़ा, चढ़ा दो गाड़ी यहीं से जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, चलिए कम से कम भाई एक जगह तो अपनी गाड़ी चढ़ पाई, दम तो है गाड़ी में। पहुँच चुको भाई मैं जगह पर, देखते फिलहाल के आखिर यहाँ पे कोई है नहीं है, क्योंकि नज़ारा बड़ा शांत लग रहा है, खाली खाली से लग रहा है बिल्कुल, मौसम कोई भी नहीं यहाँ पर। तो टैंक वाले बंदे अगर इनको जिनको लास्ट में भेजा गया था अगर वो यहाँ पर नहीं, तो फिर यहाँ पर क्यों मेरे को भेजा भाई टेक्नो ने? उसने बोला उसने कैमरा से बंदे देखे हैं। चलिए चेक करता हूँ जाकर के भाई, हेलो जी कोई है क्या? अंदर कोई भी नहीं है, और जो सुबह मैंने बंदे मारे थे वो यहाँ से चले गए होंगे, डेड बॉडीज उठा ली होगी आर्मी ने बाकी और बंदे ने आकर के। तो चलिए चेक करता हूँ घर में कोई है क्या। प्यारे प्यारे भाइयों, कोल्ड ड्रिंक यहाँ पर रखी है बट खाली थी, तो बंदे शायद से है नहीं है, पक्का नहीं बोल सकता भाई। टेक्नो को धोखा हो गया, ये टेक्नो मेरे भाई क्यों मेरी कमर तोड़ने में लग रहा है? सच्ची में ऐसा धोखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस बंदे ने मेरा टाइम वेस्ट करा दिया, मेरा टाइम बढ़ा दिया बहुत ज़्यादा। ड्राइवर इधर आ जरा, चेक कर कोई है क्या भाई, पूरा घर खाली है तो बेसमेंट चेक करता हूँ, बट बेसमेंट में टैंक थोड़ी घुसा देगा बंदे, बंदे छुप सकते हैं नीचे मानता हूँ, बट टैंक थोड़ी छुपेगा। एक बार लास्ट ट्राई कर लेता हूँ, अगर कुछ मिला तो ठीक है, नहीं तो निकलता हूँ और टेक्नो को दो चार सुनाऊंगा कि मेरे भाई वेरीफाई करे बिना खबर, मत दिया कर यार, मैं थक जाता हूँ यहाँ वहाँ पे जाने मरे भाई, बहुत टाइम वेस्ट होता है, बात थकने की भी नहीं है, कमाल करता है। चल जल्दी ड्राइवर नीचे निकल बेसमेंट में और जा करके चेक कर के टेक्नो भैया आखिर क्यों मुझे थका रहे हैं भाई। सच्चे नमूने ने मेरे को थका दिया यार, कोई भी नहीं है, हाँ दे यार निकलता हूँ। आर्मी का मेरे पास फोन आया, चलिए भाई अब मेरे को थकने की जरूरत नहीं है। आर्मी मेरे को फोन करके बोलते ड्राइवर ब्रो अब आप यहाँ वहाँ ढूंढिए बस घूमिए, हमें टैंक की लोकेशन मिल चुकी है, आ जाइए हमारे पास, हम बहुत सारे बंदे इंतजार कर रहे हैं आपका। दरअसल टैंक बंदे टनल में लेकर के पहुंच चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है शायद सिर्फ टेक्नो ने इन्फॉर्मेशन गलत नहीं दी। दरअसल यहाँ पे जब मैं पहुंचा क्या हुआ, तो मेरे आने से 2-3 मिनट पहले ही बंदे यहाँ से टैंक लेकर के निकल गए हो, आसपास के एरिया में एक टनल पड़ता है, बंदे वहीं तक पहुँचे हैं, तो मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन यहाँ की भी सही थी, बट बंदे लगता है यहाँ से निकल गए मेरे आने से पहले। चल ट्रेयर भाई आराम से एक सेकंड करते काम करता हूँ, यहाँ से निकल जाएगी क्या, खड्डे काफ़ी ऊँचे ऊँचे यहाँ से चढ़ नहीं पाएगी,
एक काम करता हूँ, उसको मेन रोड पे लेकर के निकलता हूँ, टनल में पहुंचता हूँ जल्दी से जहाँ पर टैंक देखा गया है। पहुंच चुका हूँ भाई मैं जगह पर, पटाखे फूट रहे की आवाज़ आ रही है, मतलब गोलियाँ चल रही है। ड्राइवर निकल 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 जल्दी जा करके चेक कर भाई क्या चलने में लग रहा है। ओके कुछ तो गोली बज रही थी, कुछ बंदे शांति से खड़े हुए हैं। हेलो भाइयों क्या हो गया भाई, लगता है कुछ बंदे डर गए क्या, मेरा इंतजार कर रहे हैं। हेलो बॉयज, अरे हट हट, रास्ता बनाओ रास्ता बनाओ रास्ता बनाओ, हट जाओ डबोनों के सरदारों, कैसे बीच में खड़े हो, मेरे को फटाफट सारी सारी बातें बताओ। अबे आगे गैंग और चल रही है, बंदे आ गए, कवर ले लो जल्दी से फटाफट से, बंदे भागते बारे में दिखाई नहीं दे रहा। चलिए भाई थोड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है, अभी मैं भी जरा आगे निकलता हूँ जाकर के बंदों को मारता हूँ, चेक करता हूँ टैंक कहाँ पर है। आर्मी आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो, बंदे बहुत सारे मेरे को दिखाई दे रहे हैं। ये ले बेटे आया मजा, मेरी प्यारी प्यारी गन से खत्म करो बंदों को मारना, जल्दी 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 आ जाओ। ये लो मेरे प्यारे भाई, ओके भाई मेरे को टैंक दिखना शुरू हो चुका है, पीछे की तरफ टैंक तो है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये डर रहे हैं बहुत सारे, तुम आते रहो, बंदे डर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये अभी भी बंदे डर रहे हैं। ये ले बेटे, ये कौन सी गन है भाई, बढ़िया चल रही है बहुत ज़्यादा, ये AKM से ज़्यादा अच्छा असर हो रहा है इसका, बहुत अच्छा असर कर रही है सच्ची में, बहुत अच्छा, रिकॉइल भी नहीं है बिल्कुल भी, ज़्यादा शेक नहीं हो रहा और बहुत अच्छे निशाने लग रहे हैं, और बंदे तुरंत खत्म हो गए सच्ची में यार। फाइनली आओ आर्मी आओ, फाइनली आप लोगों का प्यारा टैंक मिल चुका है, एक ट्राई तो बनता है यार, इतनी मेहनत करी है, वो कहते हैं ना किट कैट ब्रेक तो बनता है, तो ऐसे ही टैंक का एक ट्राई तो बनता है। रामू जरा मैं ट्राई लेकर के आता हूँ, देखे तो सही तुम्हारे इस टैंक के इतने शोर मचे हुए थे शहर में और तुम लोगों ने, अच्छा है यार टैंक तो, बाकी इसके क्या स्पेशल फीचर है वो तो बाद में आर्मी से पता करूँगा मैं, फिलहाल टैंक चल पड़ा है बहुत ही बढ़िया, दोनों तरफ से चलता है, ये फीचर है इसका, ये भाई इसको बिना घुमाए किसी भी तरह से लेकर के निकल लो, ये बहुत बढ़िया लगा मेरे को, 2-in-1 चल रहा है टैंक, अच्छा है भाई अच्छा है, ऐसे से टैंक मेरे लिए बना दिया करो यार, तुम लोग टैंक नहीं बनाते ऐसे से, अच्छे मुझे तो बड़ा प्यारा लग रहा है, दोनों तरफ से इसको एक्सेस कर सकते हैं बिना घुमाए, आगे पीछे एकदम घुमा लो, वैसे सारे टैंक ऐसे होते हैं मैंने आज तक कभी ध्यान दिया नहीं है, बट ये तो बहुत अच्छे चल रहा है भाई, चलिए बढ़िया, इधर से भी चल रहा है उधर से भी चल रहा है। अबे ड्राइवर पलट गया नमूने पलट गया आराम से इधर से, तो पॉइंट के ये बात है भाई टैंक बहुत पसंद आया मुझे, बट इसके फीचर्स जो है वो मैंने अभी तक चेक नहीं करे, वो आर्मी से बाद में पता करूँगा। चलो एक काम करते, टाइम वेस्ट नहीं करते, टैंक की तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बस आर्मी ने काम करने के लिए बोला मैंने कर दिया, अब मेरा काम पूरा हो चुका है। चलिए मेरे भाइयों आपका टैंक जो था आपको चाहिए था वो मैंने ढूंढ दिया है, ले जाओ इसको, अब मेरे को दोबारा फ़ोन मत करना, मैं बड़ा बिजी बंदा हूँ। फाइनली चलो मैंने कहा था ना ढूंढ दूंगा मैं जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा टाइम लगा बस 10-15 मिनट, बस 10 ही मिनट लगी होगी और मैंने इसको ढूंढने निकाला। चलो ड्राइवर गाड़ी उठाओ और पहुँचो। मैं वहाँ से भाई बाहर आया वो कुछ ही देर पहले, मतलब एक दो मिनट पहले रॉयल कार्स मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आए भाई, बहुत बड़ी विंटेज कार होती है ना पुराने पुराने मॉडल की, बहुत सारी गाड़ी मेरे पीछे भेजी है किसी बंदे ने अटैक करवाने के लिए, जैसे कि आप देख रहे हो ना पहली बार ऐसा हुआ है भाई, ये वाली गाड़ी में बंदे अटैक करने के लिए आए, इससे पता चलता है कोई महंगी माफिया है यार, कौन सी माफिया है मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आए विंटेज गाड़ियों में। आ जाओ नमूनो आ जाओ, थोड़ा तुमसे मजे लेते हैं, रेस लगाओगे, काफ़ी स्पीड में यार बंदे विंटेज गाड़ी को भी तेज भगा रहे हैं, ये तो बंदे मेरे को फॉलो करते रहते हैं तो पकड़ नहीं पाते कभी भी। ड्राइवर तेरी गाड़ी बहुत फिसल रही है भाई, यहाँ पे मेरी गाड़ी बहुत फिसल रही है, तो उससे ऊपर मैं गाड़ी भगा नहीं पाऊंगा, यहाँ पर रोड पे देखता हूँ इनको जाने के बाद में, या फिर इनको यहीं पे सेटल करके निकलूँ, जंगल है कोई दिक्कत ही नहीं है, यहीं पे इनको ख़त्म कर दूँ क्या, कर देते सोच रहा हूँ। चलो भाई इनका पत्ता यहीं पे साफ करते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। आओ नमूनों के सरदारों आओ, जंगल भी ख़त्म और फिलहाल अब मैं तुम्हारों लोगों को भी ख़त्म कर दूँगा। ड्राइवर ब्रो उतरिए आ जाइए, तो चलिए भाई देखते हैं विंटेज गाड़ी में आखिर कौन से विलन्स आ रहे हैं मुझे मारने के लिए। ख़त्म, ये चाचा जी जो आ रहे हैं सामने ये भी ख़त्म, ये जो आ रहे हैं ये भी ख़त्म, पीछे वाले भी ख़त्म, उससे साइड वाले भी ख़त्म, सभी को ख़त्म करेंगे भाई। ड्राइवर आपको बताइए नाम ड्राइवर है तो काम में तो ख़तरनाक करता ही है ना ड्राइवर, आ गया ये ले, अरे मेरी मिनी गन ख़त्म, चलिए भाई कोई बात नहीं, ये वाले राउंड भी अच्छा रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, मैंने देख लिया बंदों में काफ़ी दम है, अब इनका दम ज़रा मैं शॉर्टकट से निकाल डालता हूँ, इससे ख़त्म हुई बात। चलिए सभी को मारने का ठेका आपको बताया ड्राइवर ने नहीं लिया, निकलते यहाँ से बाकी बाद में देखेंगे। टैंक मिल चुका है, अब मैं अपने काम पर ध्यान देता हूँ, जल्दी से टेक्नो को फोन करके बोलता हूँ कि टेक्नो मेरे भाई पता करा तूने कुछ के और क्या का काम कर रही है अपनी एक डिसिप्लिन वाले बंदे, और अपना प्लान जो हमने बनाया है वो सक्सेसफुल कल होगा या नहीं होगा, अगले एपिसोड में सारी बातें उससे शेयर करता हूँ और देखते क्या बोलेगा। टेक्नो से बात हो चुकी है, टेक्नो मेरे को बोल रहा है ड्राइवर हो गया भाई, मतलब प्लान बन चुका है और कन्फर्म न्यूज़ है, बंदे कल ही आएंगे, मतलब अगले एपिसोड में आ रहे हैं और जैसा हमने प्लान बनाया वो सक्सेसफुल होगा क्योंकि हमारा प्लान परफेक्ट है, और रही बात एमी की उसको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है, देखो आज की डेट में हमारा बहुत नुकसान हुआ, मानता हूँ KGF बर्बाद हो गई है, बट KGF को दोबारा सही करने का तरीका है पायरेट्स, एलेक्स को मैंने छुड़ा लिया आपको बताइए, अब एलेक्स आराम से अपनी पायरेट्स टीम को तैयार करने में लगा हुआ है और वो तैयार है ऑलरेडी, बस मेरे ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही मैं ऑर्डर्स दूंगा
पायरेट्स शहर पर कब्जा कर लेगी और उसके बाद ये डिसिप्लिन वाले बंदे कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको बता, डिसिप्लिन वाले बंदे केजीएफ को पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बस मेरे भाई, फिलहाल इस वीडियो को समझते रहिए। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, फैमिली का मेंबर बन जाइए। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।